यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी के जन्म दिवस के उपलक्ष में पलामू जिला यूथ कांग्रेस ने हॉस्पिटल चौक स्थित IMA हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी ने रक्तदान कर व दीप प्रज्वलित कर किया। रक्तदान शिविर के दौरान यूथ कांग्रेस के दर्जनों युवकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मौके पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने श्री त्रिपाठी को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए श्री त्रिपाठी ने कहा कि पिछले दिनों वे सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान ब्लड बैंक में रक्त का अभाव देखा था, उसी को लेकर यूथ कांग्रेस ने रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया है। रक्तदान करने से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य व दान का कार्य कुछ नहीं हो सकता है। आज एक सप्ताह पहले हम लोग अस्पताल में गए थे, जो ब्लड बैंक है उसमें प्रचुर मात्रा में नहीं था, बहुत कम मात्रा में था। उस दिन यूथ कांग्रेस के भी लोग थे, तो हमने आग्रह किया था यूथ कांग्रेस के लोगों से कि आप ब्लड डोनेट करा दें। यूथ कांग्रेस ने आज ही कर दी ब्लड डोनेशन कर चुका, तो हमने ही अपना खून दान में दे करके इसको आज श्री गणेश प्रारंभ कराया। यूथ कांग्रेस के 500 के ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, जो सैकड़ों जिंदगियां बचाने में काम आए। लगभग कितने यूनिट ब्लड डोनेशन किए जाएंगे? हमें लगता है कि 40-50 यूनिट ब्लड आज डोनेट हो जाएगा। हमने अभी शुरुआत किया है, देखिए अभी लोग आ रहे हैं।